नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम लोगों को इस प्रकार के डाटा पर काम करना होता है जिसमें नंबर्स, लेंथ, विड्थ, थिकनेस और क्वांटिटी का कैलकुलेशन रहता है। अब इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ता है यूनिट भी डालने का। तो देखिए, अगर इसमें अगर यूनिट हम लोग डालते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर ये यूनिट डाल दिया जाए तो देखिए ये कैलकुलेशन ही पूरा रॉन्ग हो जाता है या एरर हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में एक अलग से कॉलम डालते हैं और यहाँ पर यूनिट डाल देते हैं। जैसे ये मीटर है, इसी तरह से सब में डाल देते हैं। अब इसमें क्वांटिटी का यूनिट डालना है तो अब यहाँ हम लोग क्यूबिक मीटर डाल देते हैं, और ये रेट से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि एट दी रेट ऑफ रुपीज, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ये हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कितना अच्छा हो कि अगर ये कॉलम नहीं इंटर करके और हम लोग ये नंबरिकल फॉर्मेट जो है इसी को चेंज कर दें और कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल डाटा है। अब इसमें नंबरिकल फॉर्मेटिंग के लिए ये हम लोग जाते हैं यहाँ फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट, और इसमें मोर नंबर फॉर्मेट्स। इसके बाद ये देखिए नीचे में कस्टम फॉर्मेट में 0.01 ले लेते हैं, और इसमें लेंथ का चूंकि हमको मीटर डालना है तो यहाँ मीटर के लिए ये डबल कोट के अंदर हम एम लिख देते हैं और इसको इंटर करते हैं। देखिए ये चेंज हो गया और हमारा कैलकुलेशन भी नहीं चेंज किया। अब इस फॉर्मेटिंग को सब में कॉपी करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना आपको पता नहीं है तो मैंने इस संबंध में एक वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक हम दे रहे हैं, उसे आप देख लेंगे। चलिए फॉर्मेट पेंटर से देखिए इसको फिलहाल हम लोग करते हैं। ये सब में मीटर होना चाहिए, इसको सेलेक्ट किया और ये सब देखिए चेंज कर गया, ये चेंज कर गया। अब इसी प्रकार से इसमें क्वांटिटी में हमको देना है। आप एक बार सेलेक्ट करके भी सबका चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें सेलेक्ट कर लिया और ये फिर नंबर फॉर्मेट में गए, मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम में चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्यूबिक मीटर हमको देना है, फिर वही डबल कोट के अंदर क्यूबिक मीटर, ओके करेंगे और ये सब में हमारा यूनिट लग गया। इसी तरह से यहाँ एट द रेट ऑफ रुपीज हमें लिखना है, ये यहाँ भी हमारा क्यूबिक मीटर होगा। अब इसमें फॉर्मेट हमको डालना है एट द रेट ऑफ, तो पहले इसको हम लोग कर देंगे करेंसी में, सॉरी ये गलत हुआ, यहाँ पर हमें करना है करेंसी फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, इसको भी करेंसी कर देते हैं। अब इसमें एट लगाना है हमें, तो चले जाएंगे हम लोग मोर नंबर फॉर्मेट में कस्टम। अब इसके पहले फिर उसी तरह से हम लोग डबल कोट के अंदर एट,
लगा देंगे। देखिए इस तरह से अब इसमें हम कर नंबर अगर चेंज भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, करेक्ट कैलकुलेशन होगा और आपको अलग से यूनिट का कॉलम जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए ये 270 की जगह पर 250 किया, इंटर, देखिए चेंज हो गया। तो ये कितना आसान है, कितना अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।